नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड के सितारे इन दिनों गर्दिश में हैं। बॉलीवुड की जितनी भी फिल्में आ रही है वो सुपर फ्लॉप होते जा रही है। ऐसे में बॉलीवुड के जो फिल्मकार हैं, हीरो हीरोइन हैं, वो पिक्चर को रिलीज करने के लिए डर रहे हैं। गोविंदा मेरा नाम सिनेमाघर के लिए बनाई गई थी लेकिन उसे ओटीटी में रिलीज किया गया। फ्रेडी सिनेमाघर के लिए बनाई गई थी लेकिन उसे ओटीटी में रिलीज किया। सिद्धार्थ मल्होत्रा की मिशन मजनू को भी सिनेमाघर के लिए बनाया गया था लेकिन बॉलीवुड का जो हालत है और थैंक गॉड पिक्चर की जो हालत हुई उसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा डर गए और अपनी इस पिक्चर को ओटीटी में ला रहे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी जो फिल्में हैं वो सफ़र कर रही है, वो डर रही है कि अगर हम पिक्चर लाएंगे फ्लॉप हो जाएगा तो क्या होगा, प्रोड्यूसर का घाटा हो जाएगा, हीरो का घाटा हो जाएगा। ऐसे में अपन कोई दिक्कत नहीं लेते हैं, पिक्चर को ओटीटी में बेच देते हैं, क्या है उससे हमारा फायदा हो जाएगा और हमारा बजट रिकवर हो जाएगा और जो अलग से जो बदनामी होगी उससे हम बच जाएंगे। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। यही जो फंडा है उसे आजकल बॉलीवुड अपना रहा है, जिसके चलते साउथ की जो फिल्में हैं नॉर्थ में हाई हो रही है, जिसके कारण तमिल और तेलुगु भाषा में बनने वाली फिल्में डब होकर हिंदी बेल्ट में आती है और हिंदी फिल्मों से ज़्यादा कलेक्शन करती है। चाहे आप कांतारा की कर लो, चाहे आप कार्तिकेय 2 की कर लो, चाहे आप पुष्पा की बात करो। ये जो पिक्चरें थी बिना कोई प्रचार प्रसार के साथ हिंदी बेल्ट में आई और धाकड़ कमाई करके चले गए। साल 2022 तो बीतने वाला है लेकिन साल 2023 की शुरुआत वो काफ़ी फीकी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, साल 2023 की शुरुआत में बॉलीवुड की तरफ से केवल एक पिक्चर आ रही है। मतलब क्रिसमस भी है, नया साल भी है, इतना लंबा वीकेंड है, इसके बावजूद 25 जनवरी तक कोई भी हिंदी पिक्चर नहीं आ रही है। आ भी रही है तो छोटी मोटी बजट की फिल्में, तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। साल 2023 की शुरुआत काफ़ी धमाकेदार तरीके से होने वाली है लेकिन साउथ स्टार के लिए, बॉलीवुड स्टार के लिए नहीं। उनका जो करियर ग्राफ है वो लगातार घटता जा रहा है, वो इस चीज़ को मान रहे हैं, जिसके कारण तो 9 साल में कौन पिक्चर रिलीज नहीं करता भाई। 9 साल में पिक्चर रिलीज करनी चाहिए। मतलब क्रिसमस वाला वीकेंड रहता है, नया साल वाला वीकेंड रहता है, 15 दिन का एकदम खाली पीली बल्ले टाइप लोग घूमते रहते हैं, तो पिक्चर तो चलनी ही है। लेकिन नहीं भाई, अपना पिक्चर तो चल नहीं रहा तो काहे पिक्चर लगाएंगे। तो यह जो कंडीशन है बॉलीवुड का बन चुका है, इसी कारण 25 जनवरी तक कोई भी बड़ी हिंदी पिक्चर नहीं आ रही है। 26 जनवरी को आ रही है शाहरुख खान की पठान, लेकिन उससे पहले क्या, उससे पहले अपन देखेंगे साउथ पिक्चर। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले साउथ की दो फिल्में डब्ड होकर हिंदी में आने वाली है, तो चलिए उस पर बातचीत करते हैं और जानते हैं कौन सी वो दो फिल्में। पहली पिक्चर का नाम है वरिसू, जिसे हिंदी में वारिस नाम से रिलीज किया जा रहा है। इस पिक्चर को टी सीरीज रिलीज करने वाला है। इस पिक्चर में थलापति विजय और रश्मिका मंदाना दिखाई देने वाले हैं। थलापति पिक्चर की फिल्में भले ही हिंदी बॉक्स ऑफिस में धमाल नहीं मचा पाती हो लेकिन इस बार ये नहीं होने वाला है, क्योंकि कॉम्पिटिशन में कोई नहीं है भाई। अगर मैं पढ़ने लिखने वाला बंदा नहीं हूँ, उसके बावजूद मेरे क्लास में एक भी बच्चे नहीं है, तो मैं ही टॉपर रहूँगा ना भाई। तो ठीक, ऐसा जो कंडीशन है थलापति विजय के साथ होने वाली है। उनका जो पिक्चर है वरिसू, वो वारिस नाम से हिंदी बॉक्स ऑफिस में रिलीज होने वाली है। उनके साथ कोई भी हिंदी पिक्चर नहीं आ रही है, ऐसे में वारिसू का हिंदी बॉक्स ऑफिस में धमाल मचाना तय है। थालाजी की पिक्चर थुनीवू भी हिंदी में रिलीज हो रही है। ऐसे में साउथ स्टार के जो फैंस हैं उनके लिए साल 2023 की शुरुआत काफ़ी धमाकेदार तरीके से होने वाली है। मतलब थलापति विजय आ रहा है, थाला अजीत आ रहा है हिंदी पिक्चर लेके, तो मज़ा तो आने वाला है। बॉलीवुड पिक्चरें नहीं आ रही तो हमारी क्या गलती है भाई, अगर कोई पिक्चर आएगा नहीं तो अपन देखेंगे ऐसे। अब पठान पिक्चर जो है 26 जनवरी को आ रही है लेकिन उससे पहले विशाल की लाठी भी आ रही है, थाला अजीत की थुनीवू भी आ रही है और थलापति विजय की पिक्चर वारिस भी आ रही है। मतलब नए साल में 3 फिल्में हिंदी में डब होकर आ रही है, तो मज़ा आने वाला है भैया। अपन तो पिक्चर देखने जाएगा, थलापति विजय की पिक्चर देखने जाएगा, थाला अजीत की पिक्चर देखने जाएंगे, अब साल का पिक्चर भी देख ही लेंगे भैया। अब क्या मजा आने वाला है, क्योंकि साउथ की फिल्में अलग रहती है, उसके कंटेनर अलग रहते हैं। साल 2023 की शुरुआत साउथ से होने वाली है, तो देखते हैं थाला अजीत और थलापति विजय की फिल्में हिंदी बेल्ट में कितना धमाल मचाती है, क्योंकि हिंदी बेल्ट पूरी तरह से खाली है। इसका फायदा दोनों स्टार्स को होने वाला है। आप हमारा फायदा कर दीजिए भाई, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।